So what is up wanted army, welcome back to another PUBG Mobile video. So guys, आ चुके हैं इस बार नोवो में और यहाँ पर आती होने वाली थी हमारी गन फाइट जो अभी के लिए तो रद्द हो चुकी है, लेकिन आगे जाके जरा बहुत जरा हु हल्ला होने वाला है। तो भाई देखो, यहाँ पर सिंपली गन मिली तो भाई जब हम नंगे भाग रहे होते हैं तो सामने लोग हमारे पे तरस नहीं आता। अब ये नंगा भाग रहा तो मेरे को भी इस पे तरस नहीं आया, ठीक है। इसको फील होना चाहिए ना कि जब नंगों को तुम मार दो तुम्हें कैसी फीलिंग आती है। और ये गेम प्ले थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही पुराना है, मतलब मे बी ये होगा दिसंबर में स्टार्टिंग का, ठीक है। तो इसमें मेरा कंट्रोल सेटअप देखो पुराने वाला है। अब मैं कंट्रोल सेटअप अपना चेंज कर चुका हूँ, जो तुम लोग कस्टम में देख रहे होगे पिछले के दो वीडियोज़ में। बाय द वे नहीं देखे जाके देख लो भाई, कस्टम के वीडियोज़ हैं, मजाक नहीं हो रहा, ठीक है। और फाइनल आज से स्टार्ट, कल से स्टार्ट हो चुके थे और क्या है कि हम फाइनल में अभी तक नंबर वन पर चल रहे हैं, लेकिन हमारा क्लैश हो रहा है एक्सप्लोरर्स के साथ, जो PMIT की ग्रुप डी की फाइनलिस्ट्स हैं, ठीक है, उनके साथ क्लैश हो रहा है। तो हम दोनों के इक्वल पॉइंट्स हैं, एक्सप्लोरर्स के और हमारे बिल्कुल इक्वल पॉइंट्स चल रहे हैं। तो देखते हैं भाई आगे क्या होता है। टूर्नामेंट अभी 3 दिन का हो रहा है, तो अपना सिंपली आगे भाग गया, क्योंकि क्लासिक है, क्लासिक में हमें चाहिए होता है किल्स। किल्स की भूख ने हमें इतना अंधा कर दिया कि मैं बिल्कुल आगे भाग गया, ठीक है। और यहाँ पर टीटो भी फिनिश होते होते बच गया इसी बहाने, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल है भाई, यहाँ पर हमने फ्लेयर मंगवाई थी वो भी दो, तो एक पूरी गाड़ी ने हमारे ऊपर पुश कर दिया। लेकिन एट अ टाइम जब मुझे मिलनी चाहिए थी, मुझे मिल चुकी है M249 द मशीन गन, फॉकिंग मशीन गन। और जब तक मेरे हाथ में ये है तब तक मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि भाई तुम सोच नहीं सकते यार। अरे भाई क्या स्वैग है, मतलब पेन किलर को नेट में आके फेंक रहा है भाई, मतलब कुछ भी। पबजी इज इक्वल टू बग जी, ठीक है, ये बात लिख लो, लिख के ले लो, मतलब कुछ भी भाई। पेन किलर फेंक रहा है देखो सामने, और वो फटा भी नहीं मेरे ख्याल से, फटा नहीं फटा मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, कमेंट्री में थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा था। अबे दूसरी पेन किलर मेरे पास ही गिर गई, ठीक है। अब वो वाला तो फटा नहीं, लेकिन ये वाला शायद फट भी जाएगा। मतलब कुछ भी, मजाक हो रहा है, मजाक, कुछ भी चल रहा है पबजी में, कुछ भी आजकल जो कहो वही चल रहा है। अब यहाँ जरा रिलोडिंग और रेड डॉट उठाने के लिए मैं पीछे आना पड़ा मुझे, क्योंकि यार रेड डॉट के ऊपर ज्यादा सी रहती है M249 मेरी, 3x पे थोड़ा ज्यादा ही वो हो जाता है रिकॉइल, तो दैट इज वाई मुझे यहाँ पे वो लगाना पड़ा रेड डॉट। अब यहाँ पर इनका लास्ट बंदा रह गया और हमारे हाथ में M249, तो हम क्यों नहीं पुश करेंगे भाई, सीधा घुस घुस के मारेंगे इनकी, ऐसी की तैसी कर देंगे, हड्डियां तोड़ के रख देंगे सालों की। तो अब गए और मार दिए, और भाई इतना ज्यादा खास लोबी नहीं, मैं जानता हूँ भाई तुमने गेम प्ले देखना है, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना ज्यादा खास लोबी नहीं है, लेकिन आगे जाके मजा आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली यहाँ पे मैं बनने वाला हूँ सपोर्टर, ठीक है, मैं एक्चुअली फ्रंट शोल्डर हूँ अपनी टीम का, पता नहीं क्यों, जबकि मुझे सपोर्टिंग में जाना होता है, लेकिन यार फिर भी मैं पीछे रहूंगा। और ये फायदा भी होगा क्योंकि अपना पूरा स्क्वाड खत्म हो जाएगा मेरे को छोड़ के, और मैं इनको बचा लूंगा दो बंदों को, बाकी अपना नंबर वन रैंडम बंदा मौत के हवाले हो जाएगा, उसको कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब यहाँ पर भाई मैंने कहा था 21st को मेरा एक मॉन्टेज आने वाला, बर्थडे स्पेशल मॉन्टेज, तो भाई वो लगभग तैयार हो चुका है, उसका बस थंबनेल में आ रह गया है, और बहुत जल्दी वो मॉन्टेज आ जाएगा। तुम जरा मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें उसमें एक्सपेक्टेड लगती हैं, कि क्या क्या हो सकता है उसमें, क्या वो स्नाइपर मॉन्टेज है, क्या वो असॉल्टिंग मॉन्टेज है, उसमें है क्या आइडिया लगाओ। बाकी मैं बना तो चुका ही हूँ और तुम्हें दिखा भी दूंगा बहुत जल्दी, परसों का दिन है, मैं भी आज 19th हो चुकी है और 21st को आ ही जाएगा वो, ठीक है। तो गाइस अब जरा देखो इसकी बातें सुनो हमारे T2 की। यहाँ पे कन्फर्म बंद हो गया, मेरा गेम एकदम नहीं चल रहा है, एकदम रुक जा रहा है, एकदम रुक जा रहा है यार, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो भाई T2 के यहाँ डिवाइस में थोड़ा चार्जिंग का कमी था, 4% चार्जिंग थी। और ये देखो हाउ यू एंटर इन योर एनिमीज हाउस, ठीक है भाई, देखो अपने एनिमी के घर में ऐसे हवाली करके मत घुसना, ये बस ओनली फॉर फन है, ठीक है, इसको घर पे ट्राई मत करना, क्लासिक में ट्राई मत करना, आर्केड में ट्राई मत करना, क्योंकि ये हलवा है, ऐसे होता नहीं है, ठीक है। यह बेचारा ये हीलिंग लगाता रह गया, मैंने कहा था इतनी खास लोबी नहीं है तो इसमें किल ज्यादा हो जाएंगे हमारे, ठीक है। एकदम उन्होंने वक्त बदल दिया ना यार, मोबाइल ने वक्त बदल दिया अचानक से। अब यहाँ पर क्या है कि भाई पीछे से एक बंदा हमारे पे पुश कर चुका है, ठीक है, वो बंदा हमारे पे पुश कर चुका है, और हमारा अब सिंपल सा काम है यहाँ से निकलना, क्योंकि भाई जोन से बाहर हैं, 10 बंदे अलाइव हैं, जोन में जगह भी चाहिए अभी हमें, ठीक है। अब इस एक बंदे के तुम रुक नहीं सकते, तो हमने एक छोटी सी तरीकी यूज़ करी जो हम मोस्टली कस्टम्स में यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने और टीटू ने डिसाइड किया कि हम लोग निकलेंगे गाड़ी से, ठीक है, सारा स्मोक फैला के हम गाड़ी से निकलेंगे, और हमारा असैसी बाहर जाके सांप बन जाएगा। साला अभी भी स्मोक की जगह पेन किलर फेंक रहा है, भाई क्या हो रहा है ये, नहीं मजाक हो रहा है, हो क्या रहा है ये, तुमने देखा ध्यान से, वो पेन किलर फेंक रहा है बार बार यार, मुझे दिमाग खराब हो रहा है इसकी वजह से। तो भाई अब देखो यहाँ पर मैं और टीटू यहाँ से निकल जाएंगे, और असैसी पीछे वहां लेटा हुआ है। अब गाइस देखो सिंपली यहाँ से हम निकले, गाड़ी रिवर्स करी और असैसी पीछे जाके वहां पे लेट गया, ताकि वो बंदा फायर करे तो मरे, ना करे तो जोन के बाहर मरे, ठीक है। अब असैसी उसका ध्यान रखेगा और उसको आगे जाके हम उठा भी लेंगे, ये नहीं कि हमारा असैसी छोड़ के चले जाएंगे हम। असैसी इस वाली वीडियो में भी थंब से खेल रहा है, पर उसको हमने 3 Finger Claw पे शिफ्ट करा चुके हैं, उसका और मेरा सेटअप लगभग लगभग सेम सा ही है, और काफी बढ़िया खेल रहा है वो 3 Finger पे, असैसी बहुत बढ़िया खेल रहा है, तो ठीक है मैं तो एक्चुअली मैं नहीं बताता ताकि तू ज्यादा चौड़ा ना हो जाए।
तू बढ़िया खेल रहा है लेकिन तेरे को बहुत कुछ अभी जरूरत है, ठीक है। अब भाई देखो यहाँ पर सिंपली मैंने जोन में गाड़ी लगाई और यहाँ पर इन नमूनों ने मेरे गाड़ी फाड़ दी यहाँ, जबकि हमें गाड़ी फाड़नी भी नहीं थी यार, हमें गाड़ी नहीं फाड़नी थी, जोन अगला हमारे पे नहीं आया। पर हमने देखा कि भाई यहाँ पर 3-1 का सिचुएशन है तो हमने सोचा हम मीटअप करेंगे। मीटअप के लिए टीटू गया, उसने जाके जम कर, लेकिन शायद सामने वाले को पसंद नहीं आया। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you